टेक्सटाइल मैकेनिकल में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल स्टार्टअप ब्रेकेज इन रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम का स्टार्टअप ब्रेकेज कैसे कंट्रोल करते हैं प्रैक्टिकल में, यानी जो हम मशीन में देख के कर सकते हैं। सेटिंग की हम अलग वीडियो बना देंगे, प्रोसेस सेटिंग और मशीन सेटिंग, तो उसमें आपको बता देंगे कैसे वहाँ से स्टार्टअप ब्रेकेज कंट्रोल होता है। तो पहला पॉइंट है रिंग फ्रेम स्टार्टअप ब्रेकेज मिनिमम 2% होना चाहिए। अंडरवाइंडिंग 2 सेट पर काउंट, अंडरवाइंडिंग सेट करना चाहिए काउंट के हिसाब से अंडरवाइंडिंग सेट करके रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ऑटो डॉपिंग हार्ड वेस्ट मस्ट कट ऑन स्पिंडल, स्पिंडल के ऊपर जो हार्ड वेस्ट होता है डॉपिंग होने से पहले काट देना चाहिए। चौथा पॉइंट है क्वार्स काउंट हार्ड वेस्ट फास्ट टाइम कटिंग, तो फास्ट कटिंग करना चाहिए, जो मोटा काउंट होता है उसका अंडरवाइंडिंग जो हार्ड वेस्ट भरा होता है वो जल्दी काट देना चाहिए। जो पाँचवा पॉइंट है करेक्ट प्रोफाइल साइज ऑफ रिंग ट्रेवलर टू यूज, करेक्ट सही प्रोफाइल का छल्ला यूज करना चाहिए। छठा पॉइंट हमारा है बिफोर डॉपिंग साइडर मस्ट गेटिंग ऑल इंड्स क्रिल ओपन स्पिंडल अटेंड बिफोर डॉपिंग। डॉपिंग होने से पहले साइडर का काम होता है कि ऊपर जो क्रिल में बोबिन खाली है उनको लगाना चाहिए, स्पिंडल ओपन हो तो उसको खोल लगा देना चाहिए। स्पिंडल की क्रिल से अगर सिंप्लेक्स वाली बोबिन खाली है तो स्पिंडल चालू कर देना चाहिए। सातवां पॉइंट है लेपट हाइट मोमेंट सेटिंग परफेक्टली टू अवॉइड स्टार्टअप ब्रेकेज, जो लेपट का हाइट सेटिंग होता है और मोमेंट सेटिंग होता है वो क्या सही है उसको एमएम के हिसाब से सेटिंग कर देना चाहिए, चेक करके काउंट के हिसाब से सेटिंग कर देना चाहिए कि फाइन काउंट पे ज़्यादा कम ज़्यादा चल रहा है तो, या मोटे काउंट पे कम ज़्यादा चल रहा है तो उस हिसाब से सेटिंग कर देना चाहिए। ड्राफ्टिंग प्रेशर टू चेक इन सेट परफेक्टली, जो ड्राफ्टिंग प्रेशर होता है क्या होता है, कभी कभी पाइप फटा होता है और हमारी मशीन में अलार्म ही नहीं आता है ड्राफ्टिंग प्रेशर का, हल्का हल्का लीकेज होता है उससे भी ब्रेकेज पड़ने लगता है। ड्राफ्ट जब कम होगा आर्म में ड्राफ्ट आने लगेगा, जब ड्राफ्ट आने लगेगा तो फिर ब्रेकेज बढ़ जाएगा। सक्शन ट्यूब वॉशिंग टाइम टू टाइम, टाइम से सक्शन ट्यूब वॉश कर देना चाहिए। सक्शन ट्यूब क्या होता है, अंदर से जाम हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं कॉटन बहुत गंदा आता है तो उसमें सक्शन ट्यूब बहुत जल्दी जाम होता है, एंटक्ट बहुत जल्दी जाम होता है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दसवां पॉइंट हमारा रिंग गेज एंड शटल गेज मस्ट परफेक्ट होना चाहिए, रिंग गेज टाइम टाइम से कर ही देना चाहिए, रिंग गेज लेट नहीं करना चाहिए, रिंग गेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी रिंग फ्रेम में, उससे हमें क्वालिटी में भी प्रभाव पड़ने लगता है, हार्डनेस बढ़ने लगता है, सीवी बढ़ने लगता है, तो रिंग फ्रेम में रिंग गेज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से शेड्यूल के हिसाब से कर देना चाहिए। ग्यारहवा पॉइंट हमारा ओएसटीसी नोजल परफेक्ट सेटिंग, ओवरहेड ब्लोअर की जो नोजलें होती हैं वो परफेक्ट सेटिंग करना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। बारहवां पॉइंट है ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग एंड ब्रेक क्लीनिंग, ड्राफ्टिंग क्लीनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ड्राफ्टिंग क्लीनिंग टाइम से होना चाहिए, ब्रेक क्लीनिंग भी टाइम से होना चाहिए। तेरहवा पॉइंट है बीआरडब्ल्यू एंड सीपी की मैचिंग परफेक्ट होना चाहिए, जो भी ब्रेक रोल और सीपी की मैचिंग की जाती है वो परफेक्ट होना चाहिए। ब्रेक ड्राफ्ट मस्ट एज पर मटेरियल के हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट हमें चेंज करना चाहिए, जो बीडीसीपी होती है हमारी वो मटेरियल के हिसाब से ड्राफ्ट देना चाहिए। नुमा फैन ड्रम जाम नॉट एंड डक्टिंग क्लीनिंग, जो डक्ट क्लीनिंग नहीं होगा तो नुमा फैन ड्रम या फैन ड्रम जाम हो जाएगा। 16 पॉइंट है हमारे पास आरएच एंड टेम्परेचर मस्ट मेंटेन एज पर मटेरियल, जो मटेरियल के हिसाब से हमें आरएच और टेम्परेचर सही सेट करके रखना चाहिए, सेट करके रखेंगे तो क्या होता है हमारा सही चलता है, टेम्परेचर की वजह से पूरा प्लांट गड़बड़ हो जाएगा। आरएच के हिसाब से अगर आरएच टेम्परेचर नहीं सही है तो पूरा प्लांट खराब चलेगा, सारी रिंग फ्रेम खराब चलेंगे, सारी रिंग फ्रेम में ब्रेकेज बढ़ेगा। 17वां पॉइंट है हमारा ड्राफ्टिंग डिले सेटिंग सही होना चाहिए, ये प्रोसेस सेटिंग का एक पॉइंट है, ड्राफ्टिंग डिले सेटिंग सही से होना चाहिए, ये अगला हम प्रोसेस सेटिंग में बता देंगे ड्राफ्टिंग डिले सेटिंग होती क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग डिले का वर्क क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो हमारी आने वाली है प्रोसेस सेटिंग और मशीन सेटिंग के बारे में।